इसीलिए तो मैं ब्यूटी पार्लर गई। ओहो, मतलब शादी के दो दिन बाद ही तो अपने पति को भी बेच खाएगी लगता है मुझे। आपने जो मेरे लिए लड़का देखा है ना, वो पहले से फटीचर है, उसे बेचकर मुझे क्या मिलेगा, घंटा। क्या बोली? कुछ नहीं पापा। अच्छा छोड़, मैं थोड़ा नींद मार लेता हूँ, गाँव आए तो उठा देना। ठीक है। अरे ऊपर क्या सामान डाला है, बस कितनी ओवरलोड हो गई है? 4 बोरी गेंदे का फूल डाला है। अच्छा, तो फिर बस इतनी हिल क्यों रही है? Fire, baby. ए, पहली बार है क्या? हाँ, तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम है। तो कहाँ गई थी? यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही थी पापा, इसलिए हवा खाने ऊपर चली गई। अच्छी बात है, पता नहीं कौन सी ऐसी की हवा खा कर आ रही है। ओए होए, अपना हीरो आ गया। अरे यार, पूरी बस तो खाली है, तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे मैं शहर का हूँ यार, ये गांव की बदबूदार हवा जमती नहीं। ए, ए, पता है पता है। अच्छा यार कुमार, शूटिंग खत्म हो गई क्या? कैसे खत्म होगी, 5 फिल्में थी, सिर्फ 3 करके आया हूँ। तो वो फिल्म छोड़कर क्यों आ गया? लो बजट थी यार, हीरो को रूम नहीं दे रहे थे। अच्छा यार, हीरोइन को तो रूम देते होगे ना? हाँ यार, हीरोइन को एक सेपरेट ही रूम देते हैं। अब सोचना, हीरो हीरोइन दोनों को एक ही रूम दे देते तो फिल्म में उनकी केमिस्ट्री अच्छी नजर आती और फिल्म भी हिट हो जाती। ये अरे गरे प्रोड्यूसर्स को ये समझ में नहीं आता, सिर्फ फिल्में बनाने चले आते हैं। एक बार हमें भी यार शूटिंग पे लेके चल, तू एक्टिंग कैसे करता है हमें भी देखना है। अब तू सीधा मुझे बड़े पर्दे पे देखेगा, सुपरस्टार हूं मैं, चल आ जा। हाँ चल चल। ए कुमार, तेरी पुरानी आइटम आ गई यार। नहीं जाना यार, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये लो, चाय चाय कर रहे थे ना, लो पियो। थूक। ये चाय है या काढ़ा है? इसे पीते ही मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया। वो सुशीला की चाय बहुत अच्छी लगती है क्या? वो ना तेरी तरह चाय नहीं पिलाती, वो पिलाती है दूध। देखो बहुत मारूंगी मैं। और तुम जो रोज उसके घर जाते हो, चल क्या रहा है दोनों के बीच? हाँ अरे सावित्री, बेकार में मुझ पर शक मत कर, देख मैं वैसा नहीं हूँ। अगर तू चाहे तो मुझे मंदिर में लेकर चल, मैं वहाँ कसम खा सकता हूँ, पर अग्नि की कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि हाथ जल जाएंगे ना। अंदर जो लकड़ी जल रही ना, वो लुंगी में डाल दूंगी। देख ये तू ठीक नहीं कर रही है। अगर तू इसी तरह मुझ पर शक करेगी ना, तो मैं भी तेरे ऊपर शक करूंगा, कह देता हूँ। अरे देवा देवा देवा, अब तुम मुझ पर शक करोगे, वो भी किस बात के लिए? अरे मेरी तरफ देख ना, मैं कितना काला हूँ, और अपने आप को देख, तू तो भैंस से भी ज्यादा काली है। तो हमारी औलाद गोरी कैसे हो गई? हे बादे, कहीं वो अपना पाटिल तो नहीं ना? परमात्मा, वो दूध वाला है क्या? मम्मी। कुमार, देख ना तेरा बाप मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है। डैड, अब मेरे बाप बनने की उम्र है, कहाँ आप खामखा मेरे बाप को ढूंढने निकले। इट्स टू लेट। व्हाट मम्मी? आई विल से राइट ABCDEFGHIJK LMNOPPQRSTUV। अरे वाह वाह, देखा मेरा बेटा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। चल बेटा खाना खा ले। पिज्जा बनाए क्या? वो कहाँ मुझे बनाने आता है। जरूर कोई फॉरनर ही होगा, अपनी पूरी छाप छोड़ गया है। गौरी गौरी गौरी। शीला, क्या हुआ, स्लो मोशन में क्यों भाग रही हो? अरे हमारी गौरी है ना, वो घर से भाग गई है। कौन वो? परसों नई शादी करके जो आई थी, बाजू की आंटी, वो क्या? अरे उनकी छोड़ो, हमारी गाय भाग गई है कह रही हूँ। ओ अच्छा, हाँ तो जाने दो, प्रॉब्लम क्या है? अरे उनके समागम का समय चल रहा है ना, उसके लिए ले जाना है। अरे ऐसे वक्त में लेट करना बेकार है, आ बैठ जा, तेरी गौरी वहीं पर है, अब ये काम मैं करवाऊंगा। अरे मैं सब कर लूंगी, तू जा यहाँ से। अरे कुछ और होता तो मैं चला जाता, लेकिन ऐसे वक्त में छोड़ के जाना सही नहीं है। आजा आजा बैठ जा। ये ले जाए बिना मानने वाला नहीं है, चल चल। शीला मुझसे चिपकना मत।
मैं अपने गाय गौरी के समागम की बात कर रही थी, अपनी नहीं। ओ ऐसा क्या? सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि तू उतावली हो रही है। अरे वो उतावली तो तेरी गाय भी हो रही थी ना, चला जा ढूंढते हैं। ए तू अरे बाबू, कब से बैठा हूँ खाने के लिए, खाना मिलेगा या नहीं बताओ। ठीक है इस बुड्ढे से। क्या करें, मेरा नसीब भी खराब है। भुक्कड़ बुड्ढा। घर में आई तब से नौकर। अगर इस थाली में कोई भी देखे ना तो उसका चेहरा राजकुमार जैसा दिखना चाहिए। ठीक से घर काम में कभी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बुड्ढा ना पता नहीं कब मरेगा। ठीक से घसने के लिए कह रहा है। बाबूजी, कल मैंने लॉयर को अपने घर पे बुलाया है, अपनी जायदाद सबको बराबर बांट दे। लॉयर को किस लिए? जज को भी बुला ले, मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। अरे कभी तो मेरी बात मानिए, मेरी किस्मत ही फूटी है। ए खाने के लिए क्या बनाया है? हाँ, बर्तन में जो भी मिलेगा ना वो चुपचाप खा लीजिए। ए भगवान, बाप बेटे सब एक नंबर के भुक्कड़ है। सुनना, इधर इधर देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं, क्या खाऊं? मैंने आपके लिए स्पेशल चीज बनाई थी। एक ही टाइम में पूरा खाना सपाचट कर गया आपका बाप। पूरा सर दर्द है, ये बुड्ढा जल्दी मरने वाला नहीं। तुम देखते रहो, तुम्हारा बाप तुम्हारे भाइयों से पहले नहीं मरने वाला। ला इधर। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। जाके चूल्हा खा लो। अरे मेरी किस्मत ही फूटी है, पति की इज्जत करनी भी नहीं आती। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ए नमो, साइड प्लीज। रुको रुको, क्या हुआ? थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है। पेट्रोल पंप अपने बाप का ही है, तू चल। ठीक है फिर, आ जा बैठ जाओ। बैठ गए? चलो ना। रेडी रेडी।